हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनोमय रेसिपीज़। आज मनोमय रेसिपीज़ में बनने वाली है पानी पूरी की पूरियाँ, जिसे आप गोलगप्पे कह सकते हैं, पुचका कह सकते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। फ्रेंड्स, पानी पूरी तो हर किसी की फेवरेट है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। तो आज मैं आपके साथ ये पानी पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत झटपट से बन जाती है। सो पानी पूरी लवर्स, चलिए मेरे साथ देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। मनोमय रेसिपीज़ में मैं आपके लिए लाती रहती हूँ ऐसी रेसिपीज़ जो कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है, लेकिन बनाने में उतनी ही आसान। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही एक आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है, और आप भी फटाफट से आपके घर पर ऐसे ही ठेला सजाइए और सब पूरी फैमिली मिलकर इंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़, अभी तक जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि मैं आप तक ऐसी ही नई नई सी रेसिपीज़ पहुंचा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये पानी पूरी कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली सूजी ली है, ये 1 कप सूजी है। आप थोड़ा मोटा सूजी ही यूज़ कीजिएगा। अब इसे मैं ले लेती हूँ, और इसमें हम लोग डाल देंगे हल्का गुनगुना तेल। ये मैं 2 बड़े चम्मच भर के ये तेल डाल रही हूँ, ये हल्का गुनगुना तेल है। लगभग हमें 40 ग्राम तक तेल डालना है इसमें, और उसके बाद हमें इसे बहुत अच्छे से क्रम्बल कर लेना है दोनों हाथों से। 5 मिनट तक हमें बहुत अच्छे से उंगलियों से ऐसे पूरी अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेना है। अब हम लोग हल्का गुनगुना पानी लेंगे और इसे गूंथ लेंगे। इसे जब हम गूंथेंगे तो इसे हमें थोड़ा सा पतला ही गूंथना है, क्योंकि सूजी जो है वो पानी पी लेती है और फिर डो जो है वो हार्ड हो जाता है। इसे हमें एज ए सॉफ्ट डो ही गूंथना है। इसे बहुत अच्छे से हमें गूंथना है। इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से ऐसे ज़ोर ज़ोर से पटकना है और इसे कंटिन्यूसली मलते जाना है। यही एक सीक्रेट ट्रिक है जो ये मार्केट में यूज़ की जाती है, जिससे कि जो रवे की पूरियाँ है बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो इसे आप ज़ोर ज़ोर से अच्छी तरह से पटक लीजिए और अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से गूंथ लिया है पटक पटक के। अब हमें इसे कोई रेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसे बेल लेंगे। तो उसके लिए हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। और इसे बेल लेंगे। आपको जिस साइज़ में, जिस शेप में चाहिए, आप उसे वैसे ले लीजिए। जैसे मैंने इसे थोड़ा सा लंबा करा है, और इसे बस हम लोग ऐसे हल्के हाथ से बेल लेंगे लंबे में। और जैसे बेल लेते हैं, हम इसे तुरंत डाल देंगे तेल में फ्राई होने के लिए। तो यहाँ देखिए, पूरियाँ जो है बहुत अच्छी तरह से फूल रही हैं। हमें इन्हें दबाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बस तेल में डाल देना है और ये अपने आप से बहुत अच्छे से फूल जाती है। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देना है। पूरियां जो है वो बहुत अच्छे से फूल गई है और बहुत अच्छे से सिक भी चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये नो फेल रेसिपी है, आपकी पूरियाँ जो है वो फूलेगी ही फूलेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसे राउंड शेप भी बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद है आप उस हिसाब से पूरियाँ बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, राउंड वाली भी फूल चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही बाकी सारी पूरियाँ जो है उन्हें फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स,
मेरा पानी पूरी का ठेला तो लग चुका है घर पे ही, तो आप भी जाइए और फटाफट से ये इजी सी इंस्टेंट पानी पूरी बनाने की रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पूरियाँ कैसे बनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।